दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको RRCWCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के तरफ से आई एक न्यू अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर भी बताऊंगा कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है और इसकी जो रिलीज डेट है वो 5/8/2024 को ये रिलीज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है, तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, आप एक बार इसे अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे। हालांकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे मैंने हाईलाइट कर लिया है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस फॉर्म की जो ऑनलाइन अप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो 5/8/2024 से फॉर्म की ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट कर दी गई है। और अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपके लिए जो क्लोजिंग डेट रखी गई है वो 4/9/2024 तक रखी गई है, यानी कि 5/8/2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रही है और 4/9/2024 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म को फिल करने को लेकर। फिर अगर यहां से आप नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3317 पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी आई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हर डिवीज़न में कितनी कितनी पोस्ट है, हर कैटेगरी और टोटल सीट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो 3317 पोस्ट के लिए ये ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है। आगे अगर मैं इस फॉर्म के लिए एज लिमिट की बात करूँ तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 15 साल होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज अगर आपकी 24 ईयर तक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 5/8/2024 तक की जाएगी। तो आपकी जो भी एज है अगर आप 5/8/2024 तक उससे फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आगे मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, आप उसे एक बार रीड कर लेंगे। देन आपको यहां से स्क्रॉल कर आनी है। फिर आपको यहां पर एज रिलैक्सेबल भी दी गई है कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, और अगर आप OBC या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको आपकी एज में 3 साल तक की छूट दी जाएगी। आगे यहां से नीचे चले आनी है। अब यहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए बताई गई कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 10th पास अगर आप है वो भी 50% मार्क्स से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और अगर आपने इसके साथ ही 10th के साथ ITI करके रखी है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 10th की है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। 10th के साथ आपकी ITI होनी चाहिए, वो फिर किसी भी ट्रेड में हो आपकी ITI यहां पर होनी चाहिए। फिर अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपकी 10th+2 रखी गई है, यानी कि अगर आप 12th पास है तो आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब यहां पर आपके फॉर्म की फी के बारे में बताई गई है, तो अगर आप OBC या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो फॉर्म की फी है वो 141 रुपीज लगने वाली है, जिसमें से 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन की फी है और 41 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फी रखी गई है। और अगर आप SC/ST/PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट्स में से आते हैं तो आपको यहाँ पर 41 रुपीज आपके लिए फ़ी रखी गई है, जो कि सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी है, आपके लिए एप्लीकेशन की फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी आपसे 41 रुपीज़ ली जाएगी। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांगी गई है वो यहाँ पर दी गई है कि आपके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आप एक बार इसे अच्छे से देख लेंगे। और अगर आप सारे ब्रेकर को फुलफिल करते हैं तो आपको फॉर्म कैसे फिल करनी है इसके लिए चलिए मैं आपको फॉर्म फिल कर बताता हूँ। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक लगा दी है, आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने ITI की आपकी ट्रेड चुननी है कि आपने ITI किस फील्ड पर करके रखी है, तो उसके लिए आपको क्लिक हियर टू सेलेक्ट ट्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में ITI की पूरी ट्रेड ओपन हो जाएगी, आप इसमें जिस भी ट्रेड से आपने ITI की है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से इस फीटर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यानी कि आपको क्लिक करनी है, फिर कुछ सेकंड वेट करनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि आपकी फर्स्ट नेम यहाँ पर पूछी जा रही है, फिर आपसे आपकी मिडिल नेम यहाँ पर पूछी जा रही है, लास्ट नेम यहाँ पर पूछी जा रही है, आप अपने मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर आपकी जो नाम है उसी को आपको यहाँ पर इंटर करनी है, फिर आपसे आपके आधार नंबर पूछी जाएगी, आपको आधार नंबर यहाँ पर इंटर करनी है, फादर्स नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है, मदर्स नेम को आपको यहाँ पर टाइप करनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको इस पर लिख
लेनी है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, आपको ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। फिर आपसे आपकी रिलीजियंस पूछी जाएगी, यहाँ से आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस भी रिलीजियंस से आप बिलोंग करते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर आप है तो यस करेंगे और नहीं है तो आपको नो कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर आपकी एकेडमिक एडुकेशन पूछी जा रही है तो आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है 10th का, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे टेक्निकल एजुकेशन पूछी जाएगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन शुरू करते समय फर्स्ट पर ही फिल की होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। फिर आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट या यूनिट पूछी जाएगी कि आप किस डिपार्टमेंट या फिर डिवीजन के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे कि जबलपुर डिवीजन के लिए मैं फॉर्म फिल करना चाहता हूँ तो मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा। देन आपसे आपकी 10 डिजिट की मोबाइल नंबर पूछी जाएगी और यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप जो यूज करते होंगे उसी को आपको एंटर करनी है, क्योंकि इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको सेंड की जाएगी वो आपके उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे पूछी गई है 10th+ ITI आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नीचे बताई भी गई है। फिर मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ से अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, आप मेल है फीमेल है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को आपको सेलेक्ट कर लेनी है, चलिए आप किस कैटेगरी से आते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक कैटेगरी डेमो के लिए चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी यहाँ पर 10th की परसेंटेज आपसे पूछी जाएगी कि आपने 10th पर कितनी परसेंटेज मार्क्स हासिल की थी, तो आप यहाँ पर परसेंटेज देंगे। फिर आपने ITI कितनी परसेंट से पास की है आपको वो यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस करेंगे और नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। देन आपको सारे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। या मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक मोबाइल नंबर दी जा रही होगी, आप उस मोबाइल नंबर पर कॉल कर इस फॉर्म को हमारे टीम के तरफ से फिल करवा सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए ये फॉर्म आपको घर बैठे फिल कर दे देगी। सिर्फ आपको इसके लिए 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए जो आपकी फॉर्म की फ़ी होगी प्लस आपको 99 रुपीज़ पे करनी होगी और हमारी टीम आपको घर बैठे ये फॉर्म आपको फिल कर दे देगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नंबर दी गई है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सारी जानकारी ले सकते हैं। सबमिट करते ही आपको कुछ टाइम का वेट करना है, कुछ टाइम वेट करने के बाद आपके सामने में आपकी जो ID और पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी और आपको इस तरह के पेज पर ही डायरेक्ट कर दी जाएगी, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेंड योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दी गई है, तो उसको आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगिन का पेज ओपन हो चुका है। अब आपके मोबाइल नंबर पर जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड की गई होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। देन यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर उसे लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करते ही आपके सामने में फी पेमेंट का एक पेज ओपन हो जाएगा, आपको सबसे पहले अपनी फी पेमेंट करनी होगी, उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसेस पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी फी पेमेंट करने के लिए यहां पर पे नाउ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। फिर पेमेंट करने के लिए आपके पास पेमेंट का विंडो ओपन होगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI QR कोड, इस तरह से आप अपने इस फॉर्म के फी को पेमेंट कर सकते हैं। आप जिस भी मेथड से पे करना चाहे तो आपको सबसे पहले आपकी जो भी एप्लीकेशन की फी होगी वो आपको ऊपर पर दिखाई जाएगी और उसको आपको पहले पेमेंट करना है, फिर आप आगे नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पेमेंट को करता हूँ, ये फॉर्म मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक डेमो के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए चलिए मुझे पहले पेमेंट करना होगा, तो मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्या क्या स्टेप्स करनी है। अब आपका पेमेंट सक्सेस होते ही आपके सामने में इस तरह का पेज आ जाएगा, आपको सबसे फर्स्ट पर डाउनलोड रिसीप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर इस रिसीप को आपको डाउनलोड कर रख लेनी है, क्योंकि ये रिसीप आपको लास्ट पर अपलोड करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ से इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी भी दिखाई दे रही होगी, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी यहां से लेके रख सकते हैं। देन आपको यहां से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप दोबारा लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को दोबारा इंटर करनी है, देन फिर से आपको यहां पर लॉगिन कर लेनी है।
आगे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप इस तरह के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहीं से डाउनलोड पेमेंट रिसीप का एक ऑप्शन भी दिया जाता है, आप यहीं से अपने पेमेंट के रिसीप को डाउनलोड कर सकेंगे। देन कैंडिडेट एड्रेस का आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको टाइप कर देनी है, आपकी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आप एक सर्विसमैन है ये नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नो मैंने पहले फिल की थी तो यहाँ पर आपको नो दिखाई देगी। फिर आपको यहां पर अपनी एड्रेस को फिल कर लेनी है, एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहां पर अपनी विलेज को फिल करनी है, लैंडमार्क फिल करनी है, पोस्ट ऑफिस फिल कर देनी है। देन आपको यहां पर अपने पिन कोड को एंटर कर लेनी है, फिर आपसे आपकी कंट्री पूछी जाएगी, ये इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी। देन आपको यहां पर अपने स्टेट को चूज कर लेनी है, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को यहां पर चूज कर लेनी है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप ऑल इंडिया कहीं से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑल इंडिया कहीं से भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने स्टेट को सिलेक्ट करूंगा, देन जिला को यहाँ पर मैं चूज करूंगा। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है, देन आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल्स को एंटर करनी होगी, जिसमें देख सकते हैं आपको 10th की एजुकेशन डिटेल आपसे पूछी जा रही है। आपको यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेनी है, आप किस बोर्ड से थे, स्टेट बोर्ड से थे या फिर CBSE बोर्ड से, तो मैं स्टेट बोर्ड को सिलेक्ट करूंगा। देन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपने कितने मार्क्स को हासिल की थी और आपकी टोटल मार्क्स कितनी थी, यानी कि टोटल कितने नंबर्स का आपने एग्जाम दिया था और टोटल कितने मार्क्स आपने हासिल की थी। फिर आपसे यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन में पूछी जा रही है कि आपने ITI में कितने मार्क्स को आपने हासिल किया था और टोटल कितने मार्क्स का आपका एग्जाम था, वो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। देन आपने 10th कब पास की थी वो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है, पासिंग ईयर। फिर आपकी कौन सी बोर्ड थी वो बोर्ड का नाम यहाँ पर इंटर कर देनी है आपको। फिर स्कूल का नाम आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर होगी, सर्टिफिकेट नंबर वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर ITI का डिसिप्लिन आपका क्या था वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है, आपने कब पास की है ITI वो आपको इंटर करनी है, किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपने ITI की है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। फिर आपकी ITI सर्टिफिकेट नंबर की है क्या है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। यहाँ मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक नंबर दिखाई देगी, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर आप सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए ये फॉर्म आपको फिल कर दे देगी, उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है, फिर आपको यहाँ पर अदर्स डिटेल्स का एक ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर को एंटर करेंगे और आपके कास्ट सर्टिफिकेट किसने इशू की है उसके नाम को आप यहाँ पर लिखेंगे। आपके कास्ट सर्टिफिकेट के नीचे में जो मुहर होती है उसमें आपको दी जाती है कि आपकी ये कास्ट सर्टिफिकेट किसने इशू की है, तो वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। फिर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपकी कब इशू की गई है वो डेट आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में अपनी कोई भी चेहरे पर या फिर कहीं पर कोई पहचान का चिन्ह है तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर आप दूसरे पहचान चिन्ह को इंटर करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर दो पहचान चिन्ह को इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की एक लिस्ट आपके सामने में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसकी साइज जो है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सब JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं और सबसे पहले आपको अपने 10th की मार्कशीट यहाँ पर इंटर करनी है, चूज फाइल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। देन JPG फॉर्मेट में आपको अपने 10th की मार्कशीट को अपलोड कर देनी है। JPG फॉर्मेट जो फोटो का फॉर्मेट होता है वो होता है, यानी कि आप यहाँ पर PDF को अपलोड नहीं करेंगे। फिर आपको अपने 10th की सर्टिफिकेट इंटर करनी है, ऊपर पर मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट आपको इंटर करनी है, फिर ITI की सर्टिफिकेट आपको इंटर करनी है। देन आपकी ITI की प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको यहां पर अपलोड कर देनी है, यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी होगा उसे आप यहां पर इंटर करेंगे। देन आपको अपनी फोटो यहां पर इंटर करनी है, सिग्नेचर इंटर करनी है चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर उसके बाद अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को आपको यहां पर इंटर कर देनी है। एज प्रूफ के लिए आप यहां पर आयु प्रमाण पत्र को इंटर कर सकते हैं या फिर आपके जिस भी डॉक्यूमेंट पर आपकी एज मेंशन हो वो डॉक्यूमेंट को आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं।
देन आपको मैंने फी रिसीप्ट के बारे में बता ही दिया कि वो आपको नीचे अपलोड करनी है। देन आप जो जो भी अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे सबका प्रीव्यू आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें इंटर करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको कुछ सेकंड वेट करना है, यानी कि कुछ देर वेट करना है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का एक पॉपअप आ जाएगा, आप यहाँ से इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है वो आपकी सेव हो चुकी है। अब अगर आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपके सामने में आपकी फॉर्म की जो पूरी प्रीव्यू है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये जो फॉर्म है वो आपकी सबमिट हो चुकी है। और अगर कभी फ्यूचर में आपको अपने एप्लीकेशंस को देखनी है तो आपको लॉगिन पेज पर चली जानी है, फिर अपने आईडी को और पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करनी है। ये आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई होगी। देन आपको यहाँ से लॉगिन कर अपने पेज को देख लेनी है, यानी अपने फॉर्म के स्टेटस को आपको देख लेनी है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी इस फॉर्म को भरना आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रही होगी, आप उस पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे थ्रू इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट हमें पे करना होगा।